जब भी हम कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट या फिर कैंसर पेशेंट की केयर में भूल जाते हैं, जिसका नाम है हॉस्पाइस केयर या फिर पैलिएटिव केयर। व्हाट इज हॉस्पाइस केयर, व्हाट इज पैलिएटिव केयर? हॉस्पाइस केयर, जब बहुत सारे पेशेंट्स आपने सुना होगा या देखा होगा कि अभी इनको कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, सो उनके लिए क्या मोडालिटीज़ हैं जो उनको उनके लिए होनी चाहिए, वो है कम्फर्ट केयर, दैट इज हॉस्पाइस केयर। पर जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट भी चल रहा है और उनको कैंसर के रिलेटेड या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट के रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस को लेके कुछ दिक्कतें हैं, उनमें हम जो साथ के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पैलिएटिव केयर। सो ऑन द ओकेजन ऑफ दिस इंटरनेशनल हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर डे, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू, बिकॉज फैमिली कैन गिव द बेस्ट पैलिएटिव एंड हॉस्पाइस केयर, टू प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेशेंट्स, ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, एंड लुक इन टू द फॉर हॉस्पाइस एंड पैलिएटिव केयर। थैंक यू।